विचारधारा तो जननायक चौधरी देवीलाल जी की है और उसी विचारधारा को लेकर के लड़ेंगे। वो हम बैठ करके डिसाइड करेंगे हमारे सहयोगी दल के साथ। बीजेपी के साथ हम पुराने सहयोगी रहे हैं, निरंतर काम करते रहे। नमस्कार, पंजाब केसरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राहुल आपके साथ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजस्थान में चुनाव नज़दीक है और इसी के चलते ही चुनावी सरगर्मियां जो हैं वो काफ़ी बढ़ गई है। इसी के चलते आज हमारे साथ है जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो सर, राजस्थान में किस तरह आपकी क्या विचारधारा को लेकर आप राजस्थान में चुनाव लड़ेंगे? विचारधारा तो जननायक चौधरी देवीलाल जी की है, उसी को लेकर के पहले भी हम पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ते रहे हैं और उसी विचारधारा को लेकर के लड़ेंगे। क्या कुछ रणनीति है आपकी राजस्थान चुनाव को लेकर? अब चुनाव बहुत नज़दीक है। हालांकि प्रदेश से कांग्रेस जाए और भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की सरकार का गठन। अच्छा, 200 सीटें हैं राजस्थान में, किन किन सीटों पर ज़्यादा फोकस आपका रहने वाला है, किन सीटों पर ज़्यादा जोर रहेगा? वो हम बैठ करके डिसाइड करेंगे हमारे सहयोगी दल के साथ। अच्छा सर, क्या लोकसभा के लिए भी आप जमीन तलाश रहे हैं? नहीं, लोकसभा के लिए नहीं, हम विधानसभा के लिए काम। अच्छा, आपकी जो विचारधारा है, पार्टी की जो विचारधारा है, वो आपको क्या लगता है किस पार्टी के ज़्यादा नज़दीक है, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी के साथ हम पुराने सहयोगी रहे हैं, निरंतर काम करते रहे हैं। अच्छा, एक और बात, संगठन जो आपका है यहाँ राजस्थान में, इस वक्त उसकी क्या कुछ स्थिति है? संगठन बहुत जल्दी आपके सामने, बाकी जो बचा हुआ है वो घोषित कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थे जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, जिन्होंने बताया। हालांकि इनकी पार्टी, आपको बता दें कि राजस्थान में जो चुनाव आ रहे हैं उनमें ही अपनी पार्टी और अपने उम्मीदवार उतारने जा रहे हैं। तो इनसे बात की हमने, जाना कि आखिर क्या कुछ राजस्थान में आगामी चुनावों को लेकर क्या कुछ इनकी तैयारियाँ हैं।